ये सच है कि शेरू भाई ने जो बोला था कि जिन्हें के ससुराल वालों को जो है कैमरा में आना पसंद नहीं है इसीलिए जो वलीमा वाला व्लॉग नहीं आएगा, वो सच था? या फिर इन लोगों ने बाद में तलाक के बाद जो बोला कि ज़फ़ीर ने शादी ही किया है उसको सोशल मीडिया में आने के लिए यूट्यूब के लिए, वो सच था? क्योंकि मैं कन्फ्यूजिंग हूँ और जिन्हीं का जो वलीमा था ना वो देखने के बाद मैं और ज़्यादा कन्फ्यूजिंग हो गई कि ये कैसी शादी है जिसमें बाप नहीं है, ये कैसी शादी है जिसमें दूल्हा दिखाई नहीं दे रहा है, ये कैसी शादी है जिसमें रिश्तेदार नहीं है। अमूमन तो बोलना चाहती थी कि ये कैसी शादी है जिसमें बेटी का बाप ही खुद शादी में नहीं है, और अगर वो बोलेंगे कि एक्सक्यूज़ देंगे कि भाई अब्बा को कैमरा में आना पसंद नहीं है तो रियाज़ की शादी में कैसे आए कैमरा में? तब क्या पसंद हो गया था रियाज़ के शादी के टाइम पर कैमरा में आना, लेकिन जिनी के टाइम पर जो है कैमरा में आना अब्बा को पसंद नहीं था। तो ये सारी चीज़ें जो है ना बहुत अटपटा है। इनका इन लोगों का जो है वलीमा व्लॉग पूरा टाइम जो है दुल्हन स्टेज पे था लेकिन दूल्हा स्टेज से गायब था, और अगर दूल्हा सच में जिनी के साथ उस टाइम पे था तो भाई ये कैसी वलीमा है कि व्लॉगिंग के लिए दूल्हे को स्टेज से जो है उतार दिया गया। अब वलीमा जो है बेटी के शादी के लिए किया गया है या फिर व्लॉगिंग करने के लिए किया गया है? कि नाज़ियापा को क्लियर कट पता था कि ज़फ़ीर और जिनी का तलाक होने वाला है, इसीलिए जो है नाज़ियापा ने ज़फ़ीर को व्लॉग में नहीं लिया। वरकता तो कैसे हैं आप सब? मैं अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग की दुआ से बहुत अच्छी हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी जाएंगे खरीद जाएंगे। तो भाई ये कन्फ्यूजन है जो मुझे ये दुपट्टा जिन्होंने भेजा था मेरी मोमो आंटी, उनका नाम मुमताज़ है, तो उस नाम को लेके काफ़ी सारे लोगों को कन्फ्यूजन है कि ये मुमताज़ आंटी स्ट्रीट फूड जायका वाली तो नहीं है। जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये मेरी मोमो आंटी है जो गुजरात की है और उनका नाम भी मुमताज़ है। जैसे कि मेरा नाम आयशा है तो ज़रूरी नहीं कि सिर्फ मेरा नाम ही आयशा है, दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका नाम आयशा है। इनफैक्ट मेरी 2-3 सब्सक्राइबर ऐसे हैं जिनका नाम आयशा है, और एक इंसान का एक ही नाम पर्टिकुलर एक नाम नहीं हो सकता, एक नाम के कई सारे लोग होते हैं। सो मेरी मोमो आंटी का नाम भी मुमताज़ है। मैं यहाँ पर फ़ोटो लगा दे रही हूँ, आप लोग देख लो। और ये चीज़ आप लोगों को दिमाग में आना चाहिए क्वेश्चन करने से पहले। एक दो लोगों को छोड़ के बोलूँ, एक दो लोग थोड़े कन्फ्यूज थे लेकिन मैं उनकी बात नहीं करूँ। कुछ लोग और भी थे जो डायरेक्ट बोल रहे थे कि ये स्ट्रीट फूड वाली मुमताज़ आंटी नहीं, ऐसा वैसा। तो आप लोग खुद सोचो कि जिनको जिनके खिलाफ मैं वीडियो बनाती हूँ, जिनके अगेंस्ट मैं वीडियो बनाती हूँ, वो मुझे दुपट्टा क्यों गिफ्ट करेंगे? ठीक है, और रही बात स्ट्रीट फूड वालों की, तो वो लोग लेने वालों में से देने वालों में से नहीं, वो खुद जो लोग दूसरे का गिफ्ट लेते हैं वो मुझे क्या गिफ्ट देंगे? ठीक है, और रही बात मेरे रिश्तों की, तो मैं जैसी हूँ ना, मैं रिश्ते भी वैसे ही लोगों से बनाती हूँ। चाहे अगर मैं किसी को माँ बोल रही हूँ तो उनमें भी एक क्लास होगी तभी जाके मैं उनको माँ बना रही हूँ, क्योंकि इंसान का नेचर बहुत मायने रखता है, ना कि अमीर गरीब, इंसान का नेचर मुझे पसंद आना चाहिए। मेरी एक बहन है सीमा आपा जो कि अब्रॉड में रहती है और जिनको मैं बड़ी बहन मानती हूँ, एक माँ का दर्जा देती हूँ, जिनको मैं बहुत रेस्पेक्ट करती हूँ। सो एक आंटी है मेरी मुमताज़ आंटी, मुमू आंटी जिनको मैं बोलती हूँ, वो भी गुजरात की है, उनको मैं माँ जैसी मानती, उनका भी एक क्लास है। सो मैं किसी हर किसी से मैं रिश्ता नहीं जोड़ती हूँ। मुझे लगता है इंसान गरीब हो और अमीर हो लेकिन नेचर अच्छा होना चाहिए। एंड थैंकफुली मैं इतने खुशकिस्मत हूँ कि मुझे मेरे, ये तो मेरे खून के रिश्ते नहीं है लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो मुझ पे अपनी जान निछावर करते हैं, मुझे अपने सगे की तरह, मतलब इन लोगों के साथ मिलने के बाद मुझे कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ, चाहे महामीर बोल लो, मेरी आपा बोल लो, सीमा आपा, मोमो आंटी बोल लो, कि इन लोगों से मिलने के बाद मुझे कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि मैं एक मुसलमान घर में पैदा नहीं हुई थी या फिर मैं अलग कौम से आई हूँ, बाहर वाली हूँ, या फिर इनके साथ मेरा खून का रिश्ता नहीं है। ये वो लोग हैं जो मेरी खुशी के लिए दुआएं तो करते हैं लेकिन मेरी खुशी के लिए और मेरी भलाई के लिए वो लोग कुछ भी कर सकते हैं। सो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि ये लोग मेरी ज़िंदगी में हैं, और अल्लाह ताला मेरी बहनों का और माँ का रोज़ी और रिज़क में बरकत दे, उनको दीन और दुनिया दोनों जहानों की खुशियाँ नसीब फरमाए। एंड आप लोग भी मेरी बहन और माँ के लिए दुआ करना ताकि उनकी जितने भी जायज़ मुरादें वो पूरी हो। एक बहन मेरी है नाज़िया, नाज़ उनका शॉर्ट नेम है, अब वो नाज़िया नाज़ियापा नहीं है। इन नाज़ का कमेंट भी आप लोग मेरे कमेंट सेक्शन में आप जाओगे तो बहुत लंबे लंबे कमेंट्स करते हैं, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। उसके लिए भी दुआ करना, उसकी शादी होने वाली है तो दुआ करना कि उसकी शादी जो है वो जल्द से जल्द बहुत अच्छे से हो जाए, कोई रुकावट ना आए, और मेरी बहन को दोनों जहानों की खुशियाँ जो है नसीब फरमाए अल्लाह। आमीन सुम्मा आमीन।
तो मैं खुशकिस्मत हूँ कि मेरे ज़िंदगी में ऐसे भी रिश्ते हैं जो खून के नहीं हैं, लेकिन खून से बढ़कर मैं बोलूँगी। खून के रिश्ते भी एक वक्त आपके आपके लिए करने के बाद बंद कर देंगे, लेकिन ये रिश्ते ऐसे हैं ना, जहाँ पर मैं कमज़ोर पड़ती हूँ वहाँ पर ये रिश्ते मुझे ताकत देती है। एंड मुझे कभी महसूस नहीं होता कि मैं पैदाइशी मुसलमान नहीं हूँ इन लोगों के पास जाके। सो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अब बात करते हैं व्लॉग के बारे में। तो आप लोगों ने जिनी का शादी का तो व्लॉग देखा ही होगा, तो जिनी की शादी के व्लॉग के शादी के टाइम से ही ना कुछ तो मतलब कि अटपटा सा, ये शादी जो है मेरे ख्याल से शादी नहीं कॉन्ट्रैक्ट है क्या है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। यूजुअली अमूमन तौर पे क्या होता है, शादी वलीमा या फिर निकाह वाले व्लॉग में ना मियाँ बीवी दोनों ही होते हैं, लेकिन जिनी का शादी एक ऐसा शादी था जिसमें ना दूल्हा था, जिसमें ना ससुराल वाले थे, जिसमें ना उसके खुद के अब्बा थे और ना ही उसके औरंगाबाद के मामू खाला लोग रिश्तेदार थे। कुछ गिने चुने लोग ही आए थे, ना रिश्तेदार आए थे, ना अब्बा आए थे, ना सास ससुर थे, ना दूल्हा था, कोई भी था। अगर आप पूरा व्लॉग चार मार के देखोगे, क्योंकि एक चीज़ क्या है ना कि ठीक है, मैं मानती हूँ कि बहुत सारे लोग ऐसे पर्दे वाले हैं जिनको कैमरा में आना पसंद नहीं है, उनमें से मेरी फैमिली एक है, लेकिन मेरा मियाँ आता है, मेरा मियाँ आता है क्योंकि उनको पता है कि उनकी बीवी यहाँ से अर्न करती है और यहाँ पे मुझे रहना है। तो बहुत लोगों को मेरे हस्बैंड कौन है इसके बारे में भी बहुत लोगों को जो है क्यूरियोसिटी होती होगी, तो उनको तो आना ही सामने, ठीक है। तो ऐसा भी नहीं है कि शादी से पहले जो है ज़फ़ीर को किसी ने देखा नहीं होगा या फिर शादी के व्लॉग में ज़फ़ीर को किसी ने देखा नहीं होगा। डेफिनेटली शादी के व्लॉग में जो है ज़फ़ीर था और शादी के रील्स भी बहुत सारे चैनलों में अभी भी है। सो वलीमा व्लॉग में ज़फ़ीर क्यों नहीं दिखाई दिया, ये थोड़ा सा आप लोग को अटपटा नहीं लग रहा? अगर निकाह वाले व्लॉग में ज़फ़ीर था तो वलीमा व्लॉग में ज़फ़ीर क्यों नहीं दिखाई दिया, ठीक है। और अगर नाज़िया आपा ने व्लॉग ऐसे शूट किया कि ज़फ़ीर वहाँ पे था लेकिन ज़फ़ीर को मतलब उन लोगों ने कैमरा में नहीं लिया, तो भाई क्यों नहीं लिया? क्योंकि ज़फ़ीर अगर निकाह वाले व्लॉग में आ सकता है तो वलीमा वाले व्लॉग में क्यों नहीं आ सकता? चलो ठीक है, ससुराल वाले नहीं आ रहे नहीं आ रहे, लेकिन पति तो आ ही सकता है क्योंकि 9 साल का उनका रिश्ता है, 9 साल का उनका प्यार है, 9 साल से उनको पता है, ज़फ़ीर को पता है कि उसकी फैमिली सोशल मीडिया में है, तो उतना तो उसने ख़ुद को प्रिपेयर किया ही होगा। और अगर नाज़िया आपा को पता था कि बाद में जाके ये डिवोर्स होने वाला है, इससे बेटर है कि मैं पहले से ज़फ़ीर को व्लॉग में ना लूँ, तो भाई ये कैसी शादी है? एक बाप के लिए अपनी बेटी की शादी जो होती है, चाहे वो बाप अमीर हो, गरीब हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी हो, बाप के लिए बेटी की शादी, बेटी की रुखसती बहुत एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है लाइफ का। नाज़िया आपा के टाइम पर भी वैसे के टाइप की तो शादी हुई नहीं, क्योंकि भाईजान जो है बाबू भैया वो हिंदू से मुसलमान बने, काफ़ी चूज़ हुआ। लेकिन दूसरी बेटी के टाइम पे जो हर माँ बाप का ख्वाहिशात पूरी करने की माँ बाप कोशिश करते हैं, लेकिन जीनी एक ऐसी पहली बेटी देखा मैंने जो अरेंज लव कम अरेंज मैरिज था। भाग के शादी होना वो अलग बात है, लेकिन लव कम अरेंज मैरिज अगर हो रहा है जिसमें बाप दूर दूर तक दिखाई ही नहीं दिया, चाहे वो हल्दी का फंक्शन हो, चाहे वो हल्दी से लेकर वलीमा का फंक्शन हो, पूरे फंक्शन में आपको जीनी के अब्बा दिखाई नहीं देंगे, पूरे फंक्शन में जीनी के जो है अब्बा के तरफ के खानदान वाले दिखाई नहीं देंगे, पूरे फंक्शन में उसके माँ के जो औरंगाबाद वाले जो मामू खाला खालू मामी जो है वो दिखाई नहीं देंगे, ससुराल वाले भी दिखाई नहीं देंगे। चलो ससुराल वाले थे लेकिन उन लोग को उसने शूट नहीं किया, भाई ज़फ़ीर को क्यों शूट नहीं किया? भाई ये कैसा वलीमा है? एक शादी ऐसी भी है जिसमें सिर्फ दूल्हा नहीं दिखाई दे रहा है, दूल्हा दिखाई नहीं दे रहा है, ऑल द टाइम नाज़िया आपा ने जो है स्टेज पे ही जीनी को शूट किया है। तो भाई ये एक ऐसा वलीमा है कि अगर तुम लोग ज़फ़ीर व्लॉग में नहीं आना चाहता है और अगर तुम लोग को शूट करना ही है, उसके लिए तुम लोगों को ज़फ़ीर को बार बार स्टेज से उतरना मतलब उतरवाना पड़ रहा है। ये थोड़ा आप लोग को अटपटा नहीं लग रहा है कि जिनी के शादी से ले कर जिनी के तलाक तक सब कुछ बहुत अजीब? एक नॉर्मल शादी मुझे ये लग नहीं रहा है, क्योंकि चलो मेरे और इद्रिस की अगर शादी हुई है अभी, मेरे सास ससुर जेठानी ननंद ये सब जो है व्लॉग में नहीं आना चाहते हैं, तो उनको हमने जो है शूट नहीं किया, लेकिन इद्रिस को तो शूट कर ही सकते हैं, क्योंकि हालांकि हमारी शादी तो काफ़ी पहले हो गई है। एक एग्जांपल दे रही हूँ मैं, इद्रिस को तो पता है कि उसकी होने वाली बीवी सोशल मीडिया में, अब सब पूछेंगे कि होने वाली बीवी कहाँ है, तो उनको दिखाना तो बनता ही है। और ऐसा तो है नहीं कि ज़फ़ीर का जो है निकाह में ज़फ़ीर को जो है किसी ने देखा नहीं है, निकाह वाले ब्लॉग का जो निकाह वाला रील है वो तो हर जगह सर्कुलेट हो रहा है, हर जगह पे अभी भी आप लोगों को मिल जाएगा। सो भाई
ये आप लोगों को कुछ अटपटा नहीं लग रहा है कि रिसेप्शन जो वलीमा होता है, वलीमा के दिन से ही जो है ज़फ़ीर सीन से गायब है और अचानक से 4 महीने बाद आप लोगों को सुनने को मिल रहा है कि हमारा तलाक हो गया, वो सोशल मीडिया में आना चाहता था, फलाना रिमका जो भी सारी चीज़ें हैं। भाई सोशल मीडिया में अगर वो आना चाहता और उसकी माँ अगर उसको बोलती कि भाई सोशल मीडिया में कमाने के लिए तो जिद से शादी कर, तो भाई उसकी फैमिली तो शादी के पहले से ही जो है ना जिनी के चैनल पे आते, या फिर ज़फ़ीर जो है निकाह वाले व्लॉग से लेके ही जो है वो जिनी के वीडियो में रहता। लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं है, तो सच क्या है जो वो लोग बोल रहे हैं ये सच है कि शेरू भाई ने जो बोला था कि जिनी को जिनी के ससुराल वालों को जो है कैमरा में आना पसंद नहीं है इसीलिए जो वलीमा वाला व्लॉग नहीं आएगा, वो सच था या फिर इन लोगों ने बाद में तलाक के बाद जो बोला कि ज़फ़ीर ने शादी ही किया है उसको सोशल मीडिया में आने के लिए यूट्यूब के लिए, वो सच था? क्योंकि मैं कंफ्यूज हूँ और जिनी का जो वलीमा था ना वो देखने के बाद मैं और ज़्यादा कंफ्यूज होंगी कि ये कैसी शादी है जिसमें बाप नहीं है, ये कैसी शादी है जिसमें दूल्हा दिखाई नहीं दे रहा है, ये कैसी शादी है जिसमें रिश्तेदार नहीं है। अमूमन तौर में किसी को बुलाओ या ना बुलाओ लेकिन आस पड़ोस वाले और रिश्तेदार इतने हो जाते हैं ना कि आपकी पूरी शादी कवर हो जाती है। लेकिन इनका कुछ अलग ही है, इनका तो ना बाप की साइड के रिश्तेदार दिखे ना माँ की साइड के रिश्तेदार दिखे और शादी में तो बाप खुद गायब था और वही बाप जो है बेटे की शादी में जो है दोनों बेटों के शादी के टाइम पर या नाजियापा के टाइम पर तो अंकल थे लेकिन जीनी के टाइम पे शादी के टाइम पे गायब थे। भाई गायब थे तो क्यों गायब थे? क्योंकि अगर जैसे कि अब वो लोग बोलेंगे कि अब्बा को कैमरा में आना पसंद नहीं है, तो भाई अगर अब्बा को कैमरा में आना पसंद नहीं है तो शेरू भाई के शादी के टाइम पे और अजान हो रही है। बोलना चाहती थी कि ये कैसी शादी है जिसमें बेटी का बाप ही खुद शादी में नहीं है और अगर वो बोलेंगे कि एक्सक्यूज़ देंगे कि भाई अब्बा को कैमरा में आना पसंद नहीं है तो रियाज़ की शादी में कैसे आए कैमरा में? तब क्या पसंद हो गया था रियाज़ के शादी के टाइम पे कैमरा में आना, लेकिन जीनी के टाइम पे जो है कैमरा में आना अब्बा को पसंद नहीं था। तो ये सारी चीज़ें जो है ना बहुत अटपटा है। इनका जो लाइफ है ना मुझे नहीं लगता कि एक नॉर्मल फैमिली की लाइफ है ना उनकी शादी नॉर्मल है, क्योंकि वलीमा से ही जो है ना शादी वलीमा के शादी बोल लो शादी से ही इनका जो है ना कि सब कुछ थोड़ा सा अजीब है कि शादी में बाप गायब, शादी में दूल्हा गायब, शादी में दूल्हे के घर वाले गायब, शादी में रिश्तेदार गायब और वलीमा वाले दिन से ही व्लॉग में जो है नाजियापा ने दूल्हे को नहीं लिया, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि नाजियापा को शायद पता था कि आगे जाके दूल्हा जो है जिनी के लाइफ से आउट होने वाला है और जब दूल्हा जिनी के लाइफ से आउट हो जाएगा तब मुझे ये वीडियो डिलीट करना पड़ेगा, इसीलिए नाजियापा ने जो है जानबूझ के शायद दूल्हे को लिए ही नहीं व्लॉग में। क्योंकि अगर ये लोग एक्सक्यूज़ देंगे कि भाई ज़फ़ीर को जो है कैमरा में आना पसंद नहीं है, तो भाई ज़फ़ीर को कैमरा में आना पसंद नहीं है तो शादी के जो व्लॉग है निकाह वाले व्लॉग में तो ज़फ़ीर था, साथ ही साथ निकाह के बाद भी जिनी जो डेली व्लॉग बनाती थी उस पर भी ज़फ़ीर होता था, तो भाई सिर्फ ज़फ़ीर शादी के टाइम पे कैमरा में आना उसको जो है पसंद क्यों नहीं था? हालाँकि इन लोगों ने खुद बोला कि ज़फ़ीर जो है यूट्यूब के लिए ही उसने शादी किया है और उसकी माँ ने खुद बोला है कि यूट्यूब के लिए जो है जिनी से शादी करने के लिए, तो ये जो एक सवाल है ना बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि शादी किस किस्म की शादी है। सो इनका व्लॉग कहीं ना कहीं देख के जो है ना ये तो समझ में आ गया मुझे नाजियापा का व्लॉग, जिनी का जो वलीमा वाला व्लॉग देख के, कि नाजियापा को क्लियर कट पता था कि ज़फ़ीर और जिनी का तलाक होने वाला है इसीलिए जो है नाजियापा ने ज़फ़ीर को व्लॉग में नहीं लिया। क्योंकि चलो ठीक है अगर कोई मुँह नहीं दिखाना चाहते, कभी कभी इब्बू के अब्बा भी बनियान नहीं पहनते हैं तो मैं उनको नहीं दिखाती हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत पैर वैर तो दिख ही जाता है, उतना तो मैं दिखाई देती हूँ कि भाई इब्बू के अब्बा ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, बस उनको मैं नहीं दिखा सकती क्योंकि वो अभी नंगे आंग में है, उनकी आंख में बनियान नहीं है, बट थोड़ा बहुत घुटना वुटना बैठे टाइम तो चड्डी वड्डी के साथ घुटना वुटना तो दिख ही जाता है। तो अगर उन लोगों का इंटेंशन अच्छा होता है चलो ठीक है, जो लोग वो लोग बोल रहे हैं वो सही बोल रहे कि ज़फ़ीर को कैमरा में नहीं आना तो दूर से एक झलक दिखाई दे सकता है वलीमा में, लेकिन ऑल द टाइम नाजियापा ने जिनी को स्टेज पे शूट किया, भाई ऐसी कैसी वलीमा है कि सिर्फ दुल्हन ही स्टेज पे है और व्लॉगिंग करने के लिए दूल्हे को स्टेज से उतार दिया गया, ये काफ़ी सारी चीज़ें
हैं शादी के टाइम पे ना बहुत सारे लफड़े लोच लचान होते हैं और बहुत सारे चीज़ों को जो है ना ध्यान में रख के जो है ना चीज़ें करनी पड़ती है। लेकिन इन लोगों का जो है वलीमा व्लॉग पूरा टाइम जो है दुल्हन स्टेज पे था लेकिन दूल्हा स्टेज से गायब था। और अगर दूल्हा सच में जिनी के साथ उस टाइम पर था तो भाई ये कैसी वलीमा है कि व्लॉगिंग के लिए दूल्हे को स्टेज से जो है उतार दिया गया। अब वलीमा जो है बेटी की शादी के लिए किया गया है या फिर व्लॉगिंग करने के लिए किया गया है, तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें खटकती। ऊपर से अभी जफ़ीर ने भी एक रील डाला, आप लोगों ने देखा होगा कि मेरा मुंह बंद है इसीलिए अच्छा है, जिस दिन मुंह खोलूँगा सब कुछ ख़राब हो जाएगा। बल्कि जफ़ीर का अकाउंट जो जो लोग फॉलो करते हैं इंस्टाग्राम पर, आप उनके अकाउंट को उसके अकाउंट पर जाके देख सकते हो, उसने एक रील डाला कि खामोश इंसान जब तक चुप रहता है सब कुछ अच्छा रहता है, जब मुंह खोलता है तो असलियत बाहर आ जाता है, ऐसे समथिंग लाइक दैट। कि इनडायरेक्टली इधर जिनी इधर से रील बना के जफ़ीर को सुना रही, इधर जफ़ीर इधर से रील डाल के जो है जिनी को सुना रहा, मतलब कि जफ़ीर अभी तक चुप है। जिस दिन जफ़ीर ने मुँह खोला ना, इनकी सारी पोल पट्टी जो है ना, जफ़ीर और नूर ने मुँह खोला और बाबू भैया ने, तो इनकी सारी पोल पट्टी निकल के आ जाएगी। मुझे तो इसकी वलीमा व्लॉग देख के मुझे जो ना है समझ में आ गया कि नाज़ियापा ने जफ़ीर के एक झलक तक जो है व्लॉग में नहीं दिखाया, दैट मीन्स भैया कुछ ना कुछ बात है जो इनको वलीमा से ही पता था। और ये शादी भैया नॉर्मल शादी नहीं है, क्योंकि 9 साल का प्यार अगर किसी के साथ होता है ना तो एक और एक साल तो छोड़ो 3 साल भी दे देती है एडजस्टमेंट करने के लिए कि नहीं आज नहीं तो कल ठीक हो जाएगा मेरा पति, कल नहीं तो परसों ठीक आ जाएगा, अच्छा एक बच्चे का मुंह देख के ठीक हो जाएगा। ऐसा भी नहीं कि वो पैसों की मारी भूखी बेचारी है, वो खुद 80-80 हज़ार 1-1 लाख वो कमा रही है, तो इतना तो वो भी वो मजबूर नहीं है पैसों के लिए, ठीक है। सो इसका जो पूरा शादी का जो एक सीन है ना उस पर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क मेरी तरफ से भाई, क्योंकि मुझे ये चीज़ नॉर्मल बिल्कुल भी नहीं लगा। आप लोगों का क्या राय है इस शादी के बारे में मुझे ज़रूर बताना। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, फिर मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखना, दुआ की दरख्वास्त है, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें, चैनल में आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, कमेंट करके अपना क्या ओपिनियन है वो ज़रूर मेरे साथ शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।